मनसे द्वारा आज प्रभाग 22 के नगर सेवकों के लिए आंदोलन किया गया, जहां मनसे के अध्यक्ष शशांक गिरडे उन्होंने कहा कि प्रभाग 22 के नगर सेवक लापता हैं और उन्हें उनके कर्तव्य का एहसास कराने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। मनसे का कहना है कि उन्होंने नितिन गडकरी के कहने पर प्रभाग 22 की जनता से पिछले महानगर पालिका चुनाव में भाजपा के 4 नगर सेवक चुन के दिए, जो कि पिछले 4 से 4.5 सालों से जनता के संपर्क में नहीं है। आज प्रभाग की हालत अत्यंत दयनीय है। प्रभाग के रास्तों पे गड्ढे पड़े हैं और इनका सामना वहाँ की जनता को करना पड़ रहा है। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि रास्तों में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ता। इसके विरोध में नगर सेवकों को उनके कर्तव्य का एहसास दिलाने के लिए और नगर सेवक लापता है वह किसी को मिले तो उन्हें 11 रुपए का बख्शीश मनसे द्वारा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। आज प्रभाग 22 येथे गेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत 108 जे रत्न निवडून दिले होते गडकरी साहेब यांच्या सांगण्यानुसार आमच्या प्रभागातील जनतेनेही इथे 4 नगरसेवक भारतीय जनता पक्षाचे निवडून दिले, परंतु गेले 4-4.5 वर्ष ते जनतेच्या कुठल्याही संपर्कात नसून आज या प्रभागाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय झालेली आहे आणि दयनीय अवस्थेमुळे इथे अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे पडलेले आहेत। म्हणजे आता लोकांना हा नेमका प्रश्न पडून राहिला की खड्ड्यात रस्ते आहे की रस्त्यात खड्डे, आणि याच विरोधात त्या नगरसेवकांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मध्य नागपूरच्या वतीने आज आम्ही इथे नगरसेवक लापता झालेले आहे या प्रभागाचे म्हणून आम्ही बोर्ड लावलेला आहे आणि ज्या कोणाला ते सापडतील त्यांना आम्ही 11 रुपये रोख बक्षीस देणार आहे। आणि एवढं केल्यावर सुद्धा जर त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव झाली नाही तर आम्ही याच्यापुढे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करणार। यह आंदोलन करने के बाद भी अगर नगर सेवकों को उनके कर्तव्यों का एहसास नहीं हुआ तो मनसे द्वारा दोबारा इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ऐसा मनसे के अध्यक्ष शशांक गिरडे ने कहा। इन बीसीएन के लिए अखिलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।